परसोत्तम रूपाला का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि बीजेपी का एक और जिला अध्यक्ष जो कि जूनागढ़ से है किरित पटेल, उसकी वीडियो सामने आ रही है। एक समय वो तो हिंदुस्तान मां के राजा ने पटराणी बोबड़ी होई लूली होई लंगड़ी होई पण एना कुखे थी जे दीकरो पैदा थतो तो ए राजा बनतो तो अने हवे राजा मत पेटी माथी पैदा थाय। ये फुद्दूसी शक्ल का क्षत्रिय समाज के खिलाफ कैसी टिप्पणी कर रहा है, जिस तरह से इसकी शक्ल है ये बैनचोद का उसी तरह से बकवास कर रहा है। अब इस पर कुछ नहीं होगा, परसोत्तम रूपाला पर नहीं हुआ, इस पर क्या होगा? ये शरीआम क्षत्रिय रजवाड़ों को बोल रहे हैं। ये गुजरात में सबसे ज्यादा रजवाड़े क्षत्रियों के रहे हैं, राजकोट जामनगर मोरबी जूनागढ़ चुंडासमा क्षत्रियों की रियासत थी। तो आखिर ये बीजेपी आरएसएस करवाना क्या चाहती है इस देश में? ये बोल रहा है कि क्षत्रिय पहले क्या होता था कि जो भी राजा रजवाड़े होते थे चाहे वो लंगड़ा हो लूला हो वही राजा बनता था। तो मैं इसको पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय गुजरात में 5-6% होकर 7-8% होकर ज्यादा से ज्यादा 10% होकर राज करके तुम उनसे डबल होकर भी गुलामी करते रहे। लंगड़े लूले तो तुम्हारे पुरखे थे, तुम्हारे पुरखे लंगड़े लूले थे। एक तो परसोत्तम रूपाला का मामला चल रहा है रजवाड़ों को लेकर, ये बुद्धि का उल्टा बकवास करते जा रहा है और अब इस पर कोई नहीं बोलेगा। और हमारे लोग आज भी अंधभक्त बने बैठे हैं, सिर्फ परसोत्तम रूपाला का विरोध करे हैं। क्यों परसोत्तम रूपाला का विरोध करना? इनके हर मंत्री क्षत्रिय खिलाफ के समाज के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लंगड़ा लूला तो इसकी नस्ल वाले थे, तुम्हारे लोग क्यों नहीं राज कर सके? तुम अगर हमारे से गुजरात में अगर थोड़े से ज्यादा भी हो ना तो तुम लोग राज क्यों नहीं कर सके? पूछता हूं पूछ दिल इंसान, तुम लोग राज क्यों नहीं कर सके? गुजरात की हर एक रियासत क्षत्रियों की, जहां हमारी एक दो हमारे मुस्लिम पठान भाइयों की है, बाकी सभी क्षत्रियों की रियासत थी। तुम लोग कहां थे? तुम बैठो गुलामियां कर रहे थे, तुमसे कुछ हुआ तो है नहीं और आ जाते हो बकवास करने लोकतंत्र में। अगर तुम्हारी गांड में इतना ही दम है तो गवर्नमेंट को बोलो लोकतंत्र ये खत्म करे, ये सिस्टम देख लेते हैं किसकी गांड में दम है और कौन है जहां पर अपना गुट्ठा गाड़ेगा। ठीक है, दूसरे दिन ही सेना बनाकर इस देश पर कब्जा नहीं कर लिया तो हम भी वीर क्षत्रिय नहीं। तुम बहनचोद 20 लाख भी होंगे ना तो हम 5 लाख भी तुम्हारे पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, लंगड़ा लूला तो तुम्हारे लोग थे जो गुलामियां करते थे क्षत्रियों की। अब मुंह मत खुलवाओ क्योंकि तुम लोग ज्यादा बैकचोदी कर रहे हो और अब हम यही बोलेंगे कि लंगड़े लूले तुम थे, ज्यादा होकर भी की गुलामियां नहीं लड़ सके, तुम्हारे हाथ बांधे थे क्या क्षत्रियों ने? तुम है ही गुलाम के बीच थे। आज भी हटा लो लोकतंत्र, सरकार हटा लो, प्रशासन हटा लो, देख लेते हैं कौन लंगड़ा लूला है। साबित नहीं कर दिया तुम्हें नंगा करके तो फिर क्षत्रियों का नाम बदल देना। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।